मालिनी एंड वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं पार्टी स्टार्टर और एज ए एपिटाइजर आप यूज कर सकते हैं, और ये है दही के शोले। जी हाँ, ये ब्रेड दही कबाब है और ये बहुत ही आसानी से बनता है। आप चाहें तो कबाब प्लेटर में इसको बहुत ही ईजिली बना के रख सकते हैं। सर्व करेंगे तो वाह ही जरूर मिलने वाली है। देखते हैं इसका आसान तरीका क्या है। इसके लिए चाहिए हमें हैंकर्ड यानी कि थक्का दही। इसको हमने छन्नी में डाल के छान दिया था ताकि इसका वाटर पूरा छन जाए, और इसको करने में हमें 3 से 4 घंटे लगे। और उसके बाद मैंने इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में डाल दिया था ताकि ये थोड़ा सा ऐसे हार्ड हो जाए। नमक चाहिए स्वाद अनुसार, हमें हरी धनिया चॉप चाहिए, फाइनली चॉप टोमेटोज और ग्रीन चिलीज फाइनली चॉप, फाइनली चॉप कैप्सिकम, इसको मैंने लिया एक छोटी कटोरी। आप यहाँ येलो बेल पेपर्स, रेड बेल पेपर्स भी यूज कर सकते हैं। अनियन लिया है मैंने एक छोटा, जिसको फाइनली चॉप कर लिया है, और पुदीना एक छोटा चम्मच, ये सूखा पुदीना पाउडर है। आप इसकी जगह हरा पुदीना भी यूज कर सकते हैं, उसको भी आप बारीक काट लीजिए। एक छोटा चम्मच चाहिए होगा हमको काली मिर्च का पाउडर। हमने यहाँ लिया है पास्ता सीजनिंग, आप कोई भी सीजनिंग, पिज्जा सीजनिंग यूज कर सकते हैं या मिक्स्ड हर्ब यूज कर सकते हैं। जिंजर गार्लिक पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, हमको चाहिए आधा आधा चम्मच। और हमने यहाँ लिए हैं ब्रेड स्लाइसेस, यहाँ पे मैंने ब्राउन ब्रेड यूज किया है। आप जो भी ब्रेड पसंद करते हो, व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड के ये कॉर्नर्स काट देंगे। एक बोल लेंगे, उसमें डालेंगे कर्ड। ये जो ब्रेड के शोले होते हैं ये बहुत ही अच्छे टेस्ट में होते हैं और हेल्दी भी होता है। मैं इसको डीप फ्राई करके बनाऊंगी, लेकिन अगर आपको डीप फ्राई नहीं खाना है तो आप इसको पैन में शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे हम कुछ अनियन, कैप्सिकम, वेजीज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, टोमेटोज और रेड बेल पेपर्स, कुछ हरी मिर्च, धनिया, काली मिर्च का पाउडर, पुदीने का पाउडर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, मिक्स्ड हर्ब 1/2 टीस्पून, जिंजर गार्लिक मिक्स, ये भी एक पाउडर फॉर्म में है। आप सिर्फ गार्लिक पाउडर ले सकते हैं या सिर्फ अनियन पाउडर या जिंजर पाउडर ले सकते हैं। और इसमें ऐड करेंगे नमक, बहुत ज्यादा नमक यूज नहीं करेंगे हम। इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ब्रेड स्लाइसेस को लेंगे और रोलिंग पिन की हेल्प से इसको थोड़ा पतला करेंगे, बहुत ही आराम से। अब हम इस पे ऐड करेंगे अपना कर्ड मिक्सचर, बहुत ही थोड़ा सा ऐसे मिडिल में रखेंगे लाइक दिस। एज इस पे हम थोड़ा पानी लगाएंगे, आप हाथ की भी हेल्प ले सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसको बहुत ही सावधानी से इसको ऐसे रोल करेंगे लाइक दिस सिंपली। और क्या करेंगे, इसके एजेस को हम ऐसे दबा करके थोड़ा बंद कर देंगे लाइक दिस। और इधर से भी आप चाहें तो इसको ऐसे ट्विस्ट भी कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं इस तरीके से। और इसी तरीके से हम सारे अपने फायर रोल्स बना लेंगे। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है और उसमें ऑलिव ऑयल डाला है जिसमें हम डीप फ्राई करेंगे, और अपने इस लैडल में हम ऐसे डालेंगे और दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए अच्छे से इसका कलर आ गया है, और इसको अब हम टिश्यू पेपर पे निकाल देंगे। इसको मैं काट के दिखाती हूँ, ये देखिए। तो इस ग्लास में डालने से पहले कुछ कैप्सिकम डालें, उसके ऊपर कुछ टोमेटोज और कुछ अनियन, और उस पर स्प्रिंकल कर दें थोड़ी सी ब्लैक पेपर, थोड़ा सॉल्ट और थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब, एंड उसके ऊपर ये दही के कबाब है ना, नया प्रेजेंटेशन, वाह। अब दही शोले इज रेडी नाउ, ये कर्ड फायरबॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। बहुत
बहुत ही अच्छा होता है, टेस्टी होता है, यम्मी होता है। मैंने जब भी इसको रेस्टोरेंट में खाया तो मुझे मन हुआ कि मैं इसको घर पे कितना जल्दी जल्दी बना सकूं। मैंने जब बनाया मुझे बहुत सारी वाहवाहियाँ मिली। अभी आपको भी मिल सकती है, तो प्लीज़ इसको बनाइए, खिलाइए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मैं नलिनी इजाज़त चाहती हूँ, नमस्कार।